त्रिपुराव दबल इंजे ने हापंग ताबुक के डबल खलाई से गीतल नाई हापंग से नुकजाकू कतर कथुम लाइमो बहन कगलम खासीपेम यक्षुतांग सीतराम येचुरी यक्षिन लुकुल संगलाई दा नाइकलथाय धर्म नाइकलथाय बदल अनुसुबा मुंग रबायनि आरोनि बाताय नेरुनो गोबां बुरबाय गोप्लाय खालायनायनि बागै कबो मुंग नारुक माबाय फासारा हाबनि आनि हाखुतो नाइकलथाय आरोनि बिसिंथै बानि रगुं थायनि खलारुनि बिसकां रगो चंबानि कुथुम लाइमु बादरगा सूर्यमणि नगर थाय प्रतापगढ़ विधानसभा आचुक थायो यक्षि कंग्रेसनि बाताय नेरुक न जुबा मुरुनि लुकु कुथुम लाइमु फाइ मानजा फैगा सिपिएम सर्वभारतीयनि यक्षुतां फां सिद्राम येचुरी फरार ब्लकनि सर्वभारतीयनि यक्षुतां फां देवब्रत बिश्वास कृषाम सांसद जनादास बैद्य सीपीएम ने अजमा सुब्रत चक्रवर्ती खबई कबुनी नाइकल थे रोगी खड़गथाम हाक्तनी यक्षि कंग्रेस की बताने रोग फाइम फाइ कुथुम लाइम सीतराम युचुरी कगलाम रखा त्रिपुरा रोग डबल इंजन हापाइया डबल ने नाइकल थे सेगी दौमानी हापां अब हाइक तब सगरी दौमानी बनी गबं सेक जंग हापां नाबु नरनानी नांगना प्रचार के लिए बहुत कुछ इस तरीके के नारे दे देते, लेकिन असलियत यह है कि लोगों को जो राहत पहले मिल रही थी उस राहत को बंद कर, तो एक तरफ से देश के अंदर लूट जो मची हुई है, अपनी संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर जो हमला है, देश एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य के रूप में जो हमारी संविधान कहती है उसी को खत्म करने की जो कोशिश है, इतने सारे एम्बुलेंस जाना संकेत अच्छा नहीं है। चुनाव के लिए 5 दिन बाकी है, अगर एम्बुलेंस ऐसे जा रहे हैं तो मतलब ये है कि कुछ खतरनाक मामला सामने आ सकता है, उसके लिए आप सबको तैयार रहना चाहिए कि उसको डटकर सामना करना चाहिए। तो ये अगर इस तरीके की परिस्थिति पैदा हो रही है देश में कि संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर हमला, देश के लोगों की मेहनत कर जनता की जिंदगी के ऊपर हमला, और इस तरीके के भ्रष्टाचार और लूट जो मची हुई है, तो आज ये जरूरी है कि इस तरीके की सरकार और इन नीतियों को हमें बदलना, और इन नीतियों को अगर बदलना है तो इस तरीके से जवाब ना देगी ये सरकार, उस तरीके की जवाब की बिना ये जवाब दे वाली सरकार वो नहीं चल सकती। इसलिए आपके त्रिपुरा में जब कहते हैं ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार नहीं, ये डबल लूट की सरकार है, और इस डबल लूट की सरकार को जो है आपको हटाना जरूरी है आज, वरना त्रिपुरा ही नहीं लेकिन पूरी देश को भी हम नहीं बचा पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं दिल्ली से आ रहे हैं हम, दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता आपके त्रिपुरा के कक्षा पुष्य नांगे खलाई सेरबा खलाई क्रई नगनी बरक रग्न माइर रग रुमानी रेशन बिशिंगती रग्न रुनानी मुंगई आजरा रग खग नई खलाई न शेर रग माइर रग रुमानी मुथागई रिजाग मानो तैबो शाखा सीतराम। ये है लोगों की हालत, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, आपके देश के अंदर भूख बढ़ रहा है, और इसी अदानी की रक्षा करते हुए प्रधानमंत्री पलम ने कहे क्या 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त अनाज देता हूं, यानी प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज देते हैं, और ये मुफ्त अनाज का योजना बनता है आपके और हमारे से जो टैक्स लेते हैं, अपना पैसा है, लोगों के पैसे को खर्च करके लोगों को मुफ्त अनाज देकर 5 किलो प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि ये मेरा दान है आपके लिए, मैं दे रहा हूं आपको, यानी अपने ही पैसे को अपने को वापस कर रहे हैं, और साथ साथ में इस तरीके की फरेब और ये काम चलिए किया कितने लोगों को 80 करोड़, मतलब क्या है, अपने देश के अंदर 80 करोड़ लोग हैं जो अगर ये मुफ्त अनाज नहीं मिलता तो वो जिंदा नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या है, 140 में से अगर 80 करोड़ लोग भूखे मरेंगे अगर ये मुफ्त अनाज नहीं मिला तो देश के अंदर भूखमरी बहुत बढ़ चुकी है ना, ये है असलियत। मेहरबानी नहीं है मोदी साहब की कि ये 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, ये जरूरी है वरना उनको जिंदा नहीं रख पाएंगे। लेकिन आज तक हो क्या रहा था, इस 80 करोड़ मुफ्त अनाज के साथ साथ हर व्यक्ति को, इसी 80 करोड़ के हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलता था सब्सिडाइज्ड रेट पर, यानी 5 किलो मुफ्त, 5 किलो चावल,
हर किलो 3 रुपए में मिलता था। अब ये 5 किलो चावल 3 रुपए में जो मिल रहा है वो योजना बंद कर दी मोदी साहब ने। तो अगर वही उसको चाहिए 10 किलो जिंदा रहने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल दिन रात।